मोदी जातिवाद का जहर घोलता है। केवल हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी सी मड़क दे रहे थे कि चलो थोड़ी सी मड़क दो, थोड़ी सी मड़क दो, थोड़ी सी, वो इतनी मड़क होगी टूट गई है और यो हमें ना नुकसान हो गया। जो आपके बच्चे हैं, यंग हैं, जो वो कहते हैं मोदी मुमकिन है, हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उन्होंने देश मजबूत हाथों में ले रखा है। हमारे यहाँ के किसानों का 100 इंच का सीना है, मोदी का कहाँ था 56 इंच का सीना हो गया, उन्होंने तो सारे सड़क पर ला दिए। बता के करा मोदी ने, कुछ कराओ बता। मोदी तो अपनी घरवाली का ही नहीं, सुनो मोदी, सुनो मोदी तो अपनी घरवाली का ही नहीं हुआ, भाई बहन का क्या होगा, किसान का क्या होगा, बता मोदी किसका होगा। वो तो देश की खातिर उन्होंने छोड़ रखा है परिवार। क्या छोड़ रखा, देश की खातिर, पूरा देश उनका परिवार है। पूरा देश परिवार होता तो आज सड़क पे क्यों बैठते, आज हमारा किसान सड़क पे क्यों है ये बता दो। अगर वो किसानों के हित की बात करता तो आज 102 दिन ना उठते। लेकिन जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि हम जो भी कानून लेकर के आते हैं पूरे देश उसका विरोध करने लग जाता है। क्या कानून लेके आया, काला कानून, जो हमारी भी जमीन को छीनना चाहता है, किसान को फुटपाथ पे लाना चाहता है, हम क्या बंधुआ मजदूर बनेंगे उसके, क्या लाया। जब हम नहीं चाहते उस काले कानून को, फिर उसे रद्द क्यों नहीं करता, उसका हित है, हित है उसका काले कानून। उन्होंने कहा है कि किसान कानून को 100 मतलब 1-1.5 साल बरत के देख ले, अच्छे दिन आएंगे किसानों के। साइन कांड आज तक चल रहा है, हुआ उसमें कुछ, गोदरा कांड आज तक चल रहा, हुआ कुछ, हमें 1.5 साल तक हमें भगा इतने इसकी सत्ता चली जाएगी, फिर कहेंगे उन्होंने क्यों नहीं हटा, दूसरे क्यों हटा, में दूसरी सरकार आवेगी इस काले कानून को हटवा कर रहेंगे, बिल्कुल नहीं हटे। और सुनो, लाठी के ठोड़ पे हटवाएंगे, लाठी का ठोड़ आपने सुना होगा, उसमें कील भी लगी रहा लाठी के ठोड़ में। राजनाथ तो किसान नेता, आपने भी कहा तो उनकी बात मान लो, कुछ अच्छे कह रहे होंगे। क्या बात कही, किसे उसकी तो चलती नहीं, उसे तो बिल में दुबका के बैठा रखा है स्मृति ईरानी की, चले जिनने सिलेंडर इतने महंगे कर दिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रधानमंत्री के अगर जरा सी भी शर्म हो अंकों में तो उसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तराई तराई पूरे देश में मची हुई है, बता क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने, बच्चे सड़क पर ला दिए, 1 साल की पढ़ाई बर्बाद कर दी, किसान यहाँ 102 दिन हो गए सड़क पर आ गया, अपने खेत को छोड़ू बैठा, कभी खेत में जा कभी अपना काम कर कावे। अब हम भी ऐसे गेहूँ बो कहते, कभी पड़े कर काए, कभी हम पानी दे काए, किसी को पर बतावे, किसी को कुछ बतावे, बस ये काम ही तो गलत हुआ और तो सारे सही करे ना। कौन सा सही कर दिया, ये काम बता, इसने बिजली बेच दी, सुनो बिजली हटा दी, सुनो बिजली हटा दी, बिजली इसने दुगने दाम कर दी, बिजली प्राइवेट दे दी, आप बताओ क्या बढ़िया काम करा इसने, किसान बिजली से पानी भर लिया था ट्यूबवेल पे। टैक्स तो चाहिए ना, देश कैसे चलेगा, पैसा तो टैक्स तो पहले भी देते, पहले नहीं चल रहा था देश क्या आज ये 850 का सिलेंडर करके टैक्स देना पड़ेगा क्या, रेल बंद करके क्या उसे टैक्स नहीं आ रहा, इतना घाटा रेल को दे दिया उसने, सारे स्कूल इसने बंद कर दिए, बता बच्चे सड़क पे आ गए। मैम कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी से पूरा देश बच गया कोरोना बीमारी से, वरना बहुत लोग मर जाते, मोदी जी ने सही कंट्रोल कर लिया कोरोना देश में। मुझे एक बात बताओ, कोरोना 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 का मतलब काम ना करो, सुनो कोरोना 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 का मतलब काम ना करो, बच्चों कहे पढ़ो ना, सबको कहे करो ना, जब चुनाव आवे जब इनका कोरोना कहाँ चला जा मुझे ना बताओ, जब कोरोना ना लगता इनके है, किसान खेत में कोरोना के टाइम काम करा लग रहा था, जो काम ना करता तो आज यार रोटी कहाँ तक खाते, नो बताओ, हमें तो मजदूरों की भी है, हमें छोटे दुकानदारों की भी है, हमें पूंजीपतियों की भी है, रोटी तो किसान ही देगा, कोई और नहीं देने का। मैडम ये बताइए, सरकार का तो क्लियर स्टैंड है कि कानून तो हम वापस नहीं करेंगे, हाँ। अब किसानों के पास क्या रास्ता, हम सरकार वापस कर देंगे, गद्दी पता तार देंगे, सरकार वापस करने का इंतजार कर लो, हम बैठे तो करण तो लग रहे, क्यों शहीद करवा रहे हो, मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी शहीद हो जाऊँ, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा, बूंद बूंद से घड़ा भरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले, क्या करीब 250 किसानों की जान चली गई है, 24 घंटे में 2 किसान मर गए हैं, शहीद हो गए हैं हरियाणा पंजाब में, कोई 2 शब्द नहीं बोली सरकार। 174 किसान मरे, 2 महिला मरी और लाठियां खाई महिलाओं ने, एक का कांकड़ा हमारे पास है, आप मुझे एक बात बता दो, एक भी अगर किसान के लिए नुनासु काटे हो, और कंगना रनौत का छज्जा टूट गया, सारा मीडिया भी लग गया, सब लगो थी मीडिया सारा वहां लगा दिया, क्या थी वह एक नचनिया ही तो थी, क्या थी वह कलाकार, कलाकार तो बहुत महिला है, एक महिला है देहात में, कलाकार नहीं देहात में, ऐसे ऐसे गीत गावे, ऐसे भजन गावे, गाए भी ना जाओ उन पे, दो भी नहीं गा सकती वे, और महिलाओं की कला को दिखा भी नहीं सकती वे, जो देहात में है,
तो जो वो काम करें गलत है आपकी नजरों में। कौन सा छज्जा टूट गया, सारा गोदी मीडिया लग गया। आपने कुछ और कहा ना, क्या नाचने वाली जो 5 प्रोजेक्ट क्यों दे दिए उसे बड़े बड़े, और किसान महिला को प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिए, किसी मजदूर की महिला को प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिए। मैम जो फिल्म कलाकार है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, हाँ। वो कोई विरोध करते हैं ना मोदी सरकार का, उनका छापे पड़ जाते हैं। उनका इसलिए छापे पड़े, उन्होंने जोड़ी में दादी चंद्रो और प्रकाशी को की पिक्चर बनाई, इसलिए छापे पड़े उन पे। तो शूटर हैं? हाँ, नहीं शूटर भी है और उन्होंने देहात के लिए काम किया इसलिए। जो चंद्रो दादी है उन्होंने एक दिन कहा था पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसको कम किया जाए। जैसे ट्वीट किया ना उनको, काली पड़ने लगी थी दादी को ट्विटर पर। गाली किसने दी? हमारे किसान ने तो गाली नहीं दी, किसान महिलावा भी। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया है, हाँ। तो लोगों ने कहा था कि दादी क्या पेट्रोल पीती होगा, इतना महंगा लग रहा है। क्यों, ट्वेल पे नहीं चलता, उसका खेत नहीं है? उसका भी खेत है, उसका भी ट्वेल है, उसका भी ट्रैक्टर है, उसका भी स्कूटर है, गाड़ी है, सब चीज है। जिस तरह से आप विरोध करते हैं, आप स्मृति ईरानी को बोल देती है या उसको बोल देती है जो कलाकार है राणौत, आपको डर नहीं लगता महिलाओं को जेल में डाल देते? किस बात का, किस बात का डर लगे? जेल में भी खेती उगा देंगे। हमने तो यहाँ भी आलू बोए और गन्ना बोया, इन्होंने तो तार लगाए और कांटे बोए, हम वहाँ भी खेती करेंगे, हम ना डरते किसी बात से भी। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान में हम कहीं भी रह सके, चाहे जेल में रख ले, चाहे हमें सड़क पर रख ले, चाहे हमें महल में रख ले, हम सारे को काम करेंगे, चाहे खेत में रख ले, पर काम हम सारे को ही करेंगे। और महिला जब तक का आह्वान कर रही, जब तक ये नहीं काले कानून वापस करें, MSP पे कानून ना बनाए, तब तक हम डटे रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। लेकिन फसल का समय हो गया है, गर्मी भी बहुत तेज होने लगी है, हाँ। तो किसान कैसे मतलब यहाँ पे सर्वाइव करेगा किसान आंदोलन को? हम गर्मी में भी रहेंगे, बरसात भी हमने झेल ली, लट्ठों की मार भी झेल ली हमने, और पानी की बौछार भी झेल ली, और हम गर्मी भी बर्दाश्त करेंगे। गर्मी में क्या हो गया, किसान करता नहीं खेतों में काम? हम तो उस समय काम करते हैं जब जमीन तपती है, आकाश तपैर ईक बंद है, उमस चढ़े, जब काम करें हम तो। हम किसान नाटने वाले कभी ये सोचे हमें इसी के लोग ना है, हम तो खेतों में काम करने वाले हैं। 11 दौर की वार्ता हो गई है किसान और सरकार के बीच में, कोई बात नहीं बनी। ये तो किसानों को नए नए नाम दे दिए गए हैं, परजीवी, आंदोलनजीवी, माओवादी, नक्सली। इसके बाद में बीजेपी मजे से चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल समेत 4-5 राज्यों में। जब तो इनका कोरोना नहीं होता, जब चुनाव आ गए। स्मृति ईरानी जब तो सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठी थी, 8 मार्च है, महिलाओं के लिए क्यों नहीं निकड़ कर आ रही आज? आज क्यों वह बिल में बड़े दुबकी बैठी स्मृति ईरानी? जब तो सिलेंडर लेकर नो कहती 400 रुपये के सिलेंडर में, कांग्रेस ने जब 400 का सिलेंडर कर दिया था, खाई सिलेंडर हाई सिलेंडर, आज कितना है? आज 817 रुपये का सिलेंडर है, कहीं 120 का भी है, कहीं 140 का भी है। तो आप ये बताइए सरकार कर क्या रही है? राष्ट्रहित में महंगाई हो रही, बच्चे सड़क पे आ गए, किसान सड़क पे है आज। क्या कर रहे हैं इन्होंने, हर आदमी को सड़क पे ला दिया, केवल 15-16 आदमी है जिनके इन्होंने कर्जे माफ किए। अडानी अंबानी रेल पे लिख दिया इन्होंने, क्या लिखा रेल पे? अडानी अंबानी रेल, कभी भारत का नाम मिटा के लिखा था रेल पे? हम जो लोगों से बात करते हैं, भाई इतना महंगा हो गया तेल, LPG महंगी हो गई, CNG महंगी हो गई, तो आप थोड़ा विरोध करिए, तो वो कहते हैं हम विरोध नहीं करेंगे, चाहे तेल 200 हो जाए हम 200 ले लेंगे, लेकिन देश आज मजबूत हाथों में है। क्यों लेंगे 200 रुपये का क्यों लेंगे हम तेल? नो बताओ, क्या इनके बाप की गद्दी है? गद्दी में से उतार के दूसरे को बटा देंगे हम? ऐसा नहीं है, किसान जिसको चाहे बिठा दे, जिसको चाहे उतार दे, किसान में बहुत ताकत है। आप ये बताइए, जब हमारे खेतों से सरसों आएगी अब कट के, अब तेल हो जाएगा 80-90 रुपये किलो, अब तो 200 रुपये भी क्या? आप ये बताइए, जब पूंजीपति के गए गोदामों में चला जा, तब तो महंगा भी कहे, और जब हमारे खेत से कट के आवे, जब वो मंदा भी कहे, क्यों बेचेंगे भाई हम? हम तो गेहूँ भी बोना बंद करेंगे भैया, ऐसी ऐसी चीज़ बोवेंगे जो स्वयं बेचे हम, ऐसी चीज़ बोवेंगे। अब किसे बैठाओगे? गद्दी पे कोई बैठे, लेकिन बैठेगा किसान, जो असली किसान है। इन्होंने तो जो असली किसान था ना राजनाथ, उसे बिल में दबका दिया इन्होंने तो। आप राजनाथ जी की बात कर रहे हैं, वो तो अभी भी सत्ता में है। आपके बड़े नेता रहे अजीत सिंह, हाँ। जयंत, हाँ। अच्छा चौहान सिंह के बेटे रहे वो, हाँ। आपने उनको वोट नहीं दिया? बड़ोत से, जनपद बागपत से, छपरौली क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना के केंद्र में भेज दिया था,
आप हमें तो उस धरती से पैदा हुई, आप बताओ। लेकिन ना तो आपने हरा दिया ना वो अजीत सिंह और उनके बेटे, किसने हरा दिया ना तो बताओ। आपने वोट कहाँ दिया? सारा किसान उसके साथ है, आदमी गलती हो गई थी जो ना, सुनो सुनो, सारा किसान उसके साथ है। हमने मोदी को वोट दे दी और ना हम मोदी को वोट दें।